हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय सेल्फ अंजलि, आई एम योर ग्रेड वन टीचर ऑफ एम एस स्कूल। टुडे माय सब्जेक्ट इज ग्रामर, एंड इन ग्रामर वी विल डू न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस, इन पेज नंबर 25। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर? सिंगुलर मीन्स कोई भी सिंगल चीज के बारे में बात करना, सिंगल चीज। इट मीन्स सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल चीज। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है? अ सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग। सिंगुलर नाउन मीन्स नेम ऑफ अ वन पर्सन, किसी एक पर्सन के बारे में बात करना। सिंगुलर मीन्स किसी एक चीज के बारे में बात करना। वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। ओके, सिंगुलर मीन्स सिंगल चीज। ठीक है, किसी सिंगल चीज के बारे में बात करना। ओके, सो हियर आई हैव रिटन मेनी एग्जांपल्स। ओके, वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस, वन एनिमल्स। नाउ हियर आई हैव रिटन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, वी यूज द वर्ड्स। ओके, वी यूज द वर्ड्स ए, ए एन और वन before a singular noun. Okay, so you have to remember that when we have to use a, when we have to use a, an or one, when we have to use. Okay, I will explain you with this from examples. Okay, I will explain you from example where we have to use a, an or one. Okay, a, an or one before a singular noun. Yes, कब हमें यूज करना है ये तीनों चीज? जब सिंगुलर नाउन होता है तभी यूज करना है। सिंगुलर नाउन मीन्स, यस आई हैव एक्सप्लेन यू सिंगल चीज के बारे में। यस, नाउ नंबर वन। ओके, वन पर्सन, हियर वन पर्सन ए। ए कब हम यूज करेंगे? व्हेन वी यूज ए, व्हेन, हियर आई हैव रिटन पुलिसमैन, सोल्जर। ओके, हियर आई हैव रिटन पुलिसमैन। पुलिसमैन एक ही है, ओके, सिंगल है पुलिसमैन यहाँ पे। एंड पी, पी इज कॉन्सोनेंट और वॉवल। व्हाट इज दिस? पी इज कॉन्सोनेंट। ओके, पी इज कॉन्सोनेंट, पी इज कॉन्सोनेंट। ओके, सो हियर व्हाट वी विल यूज? ए। ए कब यूज होगा? जब कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होगा। ओके, जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वहीं पे ए यूज होगा। ओके, सो आई विल राइट हियर ए। ओके, अ पुलिसमैन। ओके, अ पुलिसमैन, एक ही पुलिसमैन है यहाँ पे, अ पुलिसमैन। नेक्स्ट वर्ड है सोल्जर। ओके, सोल्जर लिखा है। ओके, नाउ एस, what is s? s is, what is s? s is consonant है, s, s consonant है। okay, so what will we use? a, consonant है इसलिए हम a use करेंगे। okay, consonant है इसलिए हम a use करेंगे। so student you have to remember this point, whenever the word start with consonant you have to use a। okay, a use करेंगे जब word consonant से start होगा। okay, नाउ वन थिंग, अब किसी चीज के बारे में। हियर आई हैव रिटन ऑरेंज डॉल। ओके, नाउ ऑरेंज, ऑरेंज स्टार्ट विथ ओ, स्टार्ट विथ ओ। नाउ इट इज, ओ इज वॉवल, ओ इज वॉवल। नाउ व्हाट वी हैव टू यूज? ए एन, ए एन। व्हाट वी हैव टू यूज? Whenever a word start from vowel, we have to use a and an. Okay, a and an. We have to use a and. Okay, जब भी vowel से word start होता है, so हमें क्या use करना है? a and an use करना है. Okay, now next doll, d o double l doll. Now doll, d. It's vowel or consonant? D is vowel or consonant? Yes, it is consonant. So what will we use? A. Consonant है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? A यूज करेंगे। I tell you ना, consonant से वर्ड स्टार्ट होता है, so we have to use A.
ओके नाउ नेक्स्ट वन प्लेस है शॉप है बस शॉप यू नो दुकान बस एक प्लेस है बिकॉज आप बस में बैठ के आप यहां से वहां जाते हो ट्रैवल करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो यस ओके सो एस क्लियर एस एस इज कॉन्सोनेंट और वॉवल यस इट इज कॉन्सोनेंट सो वी विल राइट हियर ए अ शॉप ओके अ शॉप कॉन्सोनेंट है दैट इज व्हाई वी विल यूज हियर ए नाउ बस B is consonant or vowel? Yes, it is consonant. So we will write here A. We will write here A. Okay, A bus. Now one animals. Now here I have written animals name tiger and owl. Okay. Now tiger. Here I have written tiger. So T is consonant. Yes, T is consonant. But here we can use one. Here we can use one. Okay, we can use A also, one also. दोनों हम use कर सकते हैं. Okay, but यहाँ पे tiger कितने हैं? Only one tiger is there. एक ही tiger के बारे में बात हो रही है. So we can write here one. Okay, so we can write here one. O N E one. Okay, so we can write here one tiger. Okay, now owl. O, what is O? Is consonant or vowel? O is consonant or vowel? Yes, it is vowel. So what will we use? A N N. क्या use करेंगे हम? A N N use करेंगे. क्यों? क्योंकि जो word है वो vowel से start हुआ है. Okay? So student, you have to remember this rule. When we have to use A, A N or one. Okay? One tiger है, one animal है, तो we can use one. ओके वॉवल से बस स्टार्ट हो रहा है वी हैव टू यूज ए एन और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वी हैव टू यूज ए ओके सो दिस रूल यू हैव टू रिमेम्बर इन योर माइंड व्हेन वी हैव टू पुट ए ए एन एंड वन ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट वी विल डू प्लूरल नाउन्स ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा सिंगुलर में मीन्स एक ही चीज के बारे में हमने बात की थी लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा है ओके मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल ओके अ प्लूरल नाउन मीन्स टू और मोर दो या दो से ज्यादा तीन भी हो सकती चार भी हो सकती पांच भी हो सकती छह भी हो सकती ठीक है टू और मोर पर्संस पर्सन भी हो सकते हैं प्लेसेस भी हो सकते हैं एनिमल्स भी हो सकते हैं और थिंग्स ओके और थिंग्स अ प्लूरल नाउन नेम्स टू और मोर पर्संस प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज्यादा दो से ज्यादा ठीक है एक से ज्यादा ओके लाइक हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ओके मोर देन वन पर्सन एक से ज्यादा ठीक है एक से ज्यादा यहां पे लिखा है फाइव किंग्स देखो एस लगाया है यहां पे मैंने ठीक है प्लूरल में क्या आएगा एस हियर प्लूरल फॉर्म का एक रूल है ओके वी एड एस हमें क्या यूज करना है एस एस यूज करना है कब यूज करना है व्हेन मोर देन वन एक से ज्यादा जब हो तब एक से ज्यादा मीन्स प्लूरल फॉर्म में टू सम सिंगुलर नाउन्स हमें एस वहां यूज करना है जो सिंगुलर नाउन में एस यूज करना है टू शो दैट देयर इज अ मोर देन वन ताकि इसे ये पता चले वो एक से ज्यादा है ओके वो एक से ज्यादा है लाइक दिस हियर फाइव किंग्स ठीक है किंग्स में यहां पे एस लिखा है हम ऐसे तो नहीं लिख सकते फाइव किंग किंग मीन्स एक होता है किंग मीन्स एक होता है लेकिन जब हम एस लगा देते हैं किंग्स मीन्स ज्यादा किंग्स है एक से ज्यादा है बहुत सारे किंग्स है हियर फाइव किंग्स ओके फाइव किंग्स है कितने किंग्स है फाइव किंग्स है ओके सो दिस इज प्लूरल नाउन नाउ मोर देन वन प्लेस
मोर देन वन प्लेस, एक से ज्यादा प्लेस। कितनी प्लेस लिखी है मैंने यहाँ पे? थ्री शॉप्स। कितनी शॉप्स है? थ्री शॉप्स है। यहाँ पे एस लगा है, आई हैव यूज एस शॉप। सिंगुलर में हमने शॉप पर, शॉप मीन्स एक, लेकिन यहाँ पे थ्री शॉप्स है। कितनी शॉप्स है? थ्री शॉप्स है। सो वी हैव टू यूज एस। शॉप्स मीन्स बहुत सारे, वी हैव टू यूज एस। नेक्स्ट, मोर देन वन एनिमल। मोर देन वन एनिमल यानी एक से ज्यादा एनिमल है। कौन सा एनिमल है? फोर कैट्स। फोर कैट्स, फोर कैट्स है, ठीक है। एक कैट, वन कैट के लिए सिंगुलर विल में वन कैट, ओके, बट हियर इट इज फोर कैट्स, यानी एक से ज्यादा कैट है। सो वी हैव टू यूज एस हियर, फोर कैट्स इन प्लूरल नाउन। देन मोर देन वन थीम, एक से ज्यादा थीम है। Which two oranges? यहाँ पे कितने oranges हैं? Two oranges. Okay, कितने oranges हैं? Two oranges हैं. See, यहाँ पे s add किया है. I have used s. Yes, two oranges. एक से ज्यादा oranges हो, हमें plural noun में s use करना है, because यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें हैं. Five है, three है, four है, two है. Now students, we will do exercise. Okay, first exercise is add s to these words. Okay, here I have written four words. What we have to do? We have to add s at the end. Okay, this, goat, pencil, chair, car. It is singular now. ठीक है? यहाँ पे हमने s add नहीं किया है. Singular है, means single singular. Goat है, one goat है. Pencil, one pencil है. Chair, one chair है. Car, then one car है. Okay. Now add s to these words. अभी हमें क्या करना है? What we have to do? We have to use s. यहाँ पे s use करना है, ठीक है? Singular form में word है. Now I will add s. ठीक है? अभी मैंने s use किया है, s लगाया है. तो क्या हो जाएगा ये? Goats. Goats means एक से ज़्यादा. कितनी goats हो सकती है? दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है. Yes? यानी एक से ज़्यादा है. Plural form में convert हो गया है. हमने s लगाया. This means ये गोट्स ज्यादा हो गई है, ठीक है? पहले सिंगुलर थी, गोट मींस सिंगुलर, गोट्स मींस प्लूरल, एड एस कर दिया, इट्स मींस प्लूरल हो गया, ठीक है? नाउ सेम पेंसिल, व्हेन वी एड एस इट बिकम प्लूरल, प्लूरल हो गया पेंसिल्स, यानी बहुत सारी पेंसिल्स हो गई है, ठीक है? पहले एक पेंसिल थी, अभी एक से ज्यादा पेंसिल्स हो गई है, ओके? देन थर्ड, चेयर, एक चेयर, ओके, एक चेयर, अभी मैं एड एस यूज करूंगी, एस मैंने यहाँ पे लिखा। देन चेयर्स, यानी ज्यादा चेयर्स हो गई। कितनी चेयर्स हो गई? एक से ज्यादा चेयर्स हो गई। इट्स कन्वर्ट इन प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर से प्लूरल में हो गई। देन फोर नंबर, कार, एस यूज किया, कार्स, पहले एक कार थी, सिंगुलर, कार्स मीन ज्यादा कार हो गई, इट्स कन्वर्ट इन टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया हमने, एस यूज किया। सो goats, pencils, chairs and cars. One more exercise. Look at these pictures. Now fill in the blanks with the words in the box. Okay. Now here I have made box. In box there is a word. Okay. What you have to do? You have to see the picture. You have to see the picture and write here words from the box. Okay, picture देखना है, picture देख के आपको words है box में से choose करना है और यहाँ blanks में fill up करना है, ठीक है? Blanks में यहाँ पे लिखना है. Okay, so number one, shoes and dash. Shoes and dash. क्या है आप? See the picture. Yes, picture में आपको क्या नजर आ रहा है? Yes, shoes के साथ क्या आता है? Socks. Shoes के साथ क्या आता है? Socks. Okay, so take here socks and write S O C K S, socks. Okay, shoes and socks. One we have done. Now two number, dash and bags. क्या आया है यहाँ पे? Dash and bags. See the picture. Yes, picture में आपको क्या नजर आ रहा है? Yes, books. क्या आएगा? Books. So see here in the box. Yes, books is there. Take here and write
we double O K S books. Okay, books and bags. Now three number tables and desks. See the picture. Yes. See the picture. क्या नजर आ रहा है? Chairs. क्या है वहाँ पे? Chairs. Now where is written chairs? Here. So we have to write here C H A I R S. Chairs. Okay. Tables and chairs. Now in four number dash and girls. Okay, dash and girls. See the picture. Yes. Picture में आपको क्या नजर आ रहा है? Yes. क्या है? दो boys. क्या है? Boys. So we have to write here boys. So boys यहाँ पे कहाँ लिखा है? Here it is written. Take it and write here boys. B O Y S. Boys. Boys and girls. Now five number. Eyes and dash. See the picture. See the picture. Yes. Picture में क्या है? Ears. Yes. So we have to write here ears. Stick here. Ears. E A R S. Ears. So eyes and ears. Next six number dash and vegetables. See the picture. क्या है picture में? Yes. Fruits. So stick here. Fruits and we have to write here fruits. F-R-U-I-T-S. Fruits. Fruits and vegetables. So student, here we have completed this exercise. If you have any queries, you can ask me in our online session. Thank you so much and have a nice day.